तो हाँ, हरे कृष्णा एवरीवन। चाहे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं भी लगा सकते हैं। अच्छा हाँ, इंस्टाग्राम कौन कौन चलाता है भाई? मैं चलाता हूँ बस। तो आ जाओ इधर, इंस्टाग्राम पर भेजना है ना मैसेज, ये शेयर करना है ना कि ये वीडियो है और ये उसका वीडियो का लिंक है और ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, जाकर के ज़रूर देखो, अपने दोस्तों को बताना। वीडियो को पूरा देखा करो, थोड़ा नहीं, पूरा पूरा। वीडियो चालू करो तो ख़त्म ही कर दो, है ना? जब चालू करो तो ख़त्म ही कर दो। खराब इम्पैक्ट पड़ता है, आधा आधा देखते हो। लिखता है पता है क्या, 10% वॉच्ड द फुल वीडियो, बाकी 90% कहाँ जाते हुए, बाकी 90% चलाते हो, ख़त्म कर देते हो क्या? पूरा देखा करो। ओके, नाउ हम शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से, जो कि हिमालय रिवर सिस्टम का पार्ट है। हिमालय से ही आ रहा है तो हिमालय रिवर सिस्टम का पार्ट है, और इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र है, इसको याद करवा दीजिएगा, है ना? नहीं, यूट्यूब पे वो सब व्यवस्था नहीं है, याद वाद नहीं होगा, मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ नदी है। याद करवाने के लिए तो ऑफलाइन में आओ या तो प्लस क्लासेस में आओ। ओके, कोई बात नहीं, यारलंग सांगपो, चलो आ जाओ। अरे वैसे भी इतना बार बता देता हूँ कि याद हो ही जाता है, मतलब याद क्या मतलब, वैसे अब 1 ही घंटा थोड़ी दे सकते एक नदी को। हाँ ये भी है। तो सबसे पहले ये नदी जहाँ से शुरू होता है, इसका नाम है यारलंग जैंगबो। ओके, तो पहला नाम है जहाँ से, कौन सा नदी है ये ब्रह्मपुत्र शुरू होती है, उसका नाम क्या है? यारलंग जैंगबो। ओके, तो लिख लेता हूँ मैं यारलंग, है ना, यारलंग जैंगबो। ओके, पहला नाम लिख लिया मास्टर, दूसरा दूसरा लिखो। इसी को तिब्बत में बोलते हैं सेंगपो, तिब्बत में ही तो है ये यारलंग जैंगपो। हाँ मतलब चाइना वाले बोलते हैं, अच्छा चाइना वाले सेंगपो बोलते हैं, ओरिजिनली नाम है वहाँ पे यारलंग जैंगपो है। ये ब्रह्मपुत्र कब पड़ता है? लोहित नदी उससे जुड़ती है दिबांग के आसपास, और जैसे ही लोहित जुड़ती है इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ओके ओके, तो ये ब्रह्मपुत्र नाम इंडिया में आने के बाद पड़ता है। हाँ तो पहला नाम क्या है? यारलंग जैंगपो, दूसरा सेंगपो। ओके, ल्हासा है इसके बगल में ही, ल्हासा दिख रही है? हाँ जी ल्हासा तो दिख रही है। तो पहला नाम बताओ यारलंग जैंगपो, दूसरा सेंगपो। ओके, अब ये देखो यहाँ से पार हो रही है, योंग्याप पास है यहाँ पे, वहाँ से यहाँ पे उसके अगल बगल से पार होती है, और ये जैसे ही लोहित रिवर से जुड़ती है इसका नाम हो जाता है लोहित, मतलब ब्रह्मपुत्र, है ना? इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र, लोहित रिवर से जुड़ते ही। तो यारलंग सेंगपो आ रहा है, फिर यारलंग जैंगपो आ रहा है, फिर सेंगपो आ रहा है, और फिर लोहित से ब्रह्मपुत्र आ रहा है। ओके, अब और नदियाँ इसमें जोड़ते हैं, देखो एक नदी है धनश्री, लोहित आ रही है, दिख रहा है? लोहित चाइना से होते हुए, चाइना से म्यांमार से नहीं आ रहा है, चाइना से होते हुए नागाल अरुणाचल प्रदेश में आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इसमें जुड़ रहा है, ब्रह्मपुत्र में जुड़ रहा है, जुड़ रहा है ना? हाँ ये तो ठीक बोले आप, थोड़ा बहुत तो लग रही है कि नगर। हाँ अब देखो ये है धनश्री, धनश्री कहाँ से आ रहा है? नागालैंड से। किस में जुड़ रहा है? ब्रह्मपुत्र, लोहित के बाद जुड़ रहा है। ओके, लोहित के बाद धनश्री जुड़ रहा है, हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद ये है दिबांग, सबसे पहले दिबांग आता है, दिबांग के साथ लोहित आता है। हाँ दिबांग तो अरुणाचल प्रदेश से ही आ रहा है, हाँ तो अरुणाचल प्रदेश में ही आ रहा है, मतलब सबसे पहला नदी जो है ब्रह्मपुत्र के साथ जो जुड़ती है इंडिया में आने के बाद वो है दिबांग, और दूसरे का नाम है लोहित। पहले का नाम क्या है? दिबांग, दूसरे का नाम क्या है? लोहित। ओके, तो ये दो नदियाँ हमें जुड़ गई हैं। तीसरे का नाम है धनश्री, धनश्री से पहले जुड़ती हैं सुबनश्री। ओके, तो ये सुबनश्री है, ये धनश्री है ना? क्या ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी से पार होता है? हाँ होता है, सच में हाँ होता है। यहाँ पे चार पांच और नदियाँ एक साथ आकर के जुड़ती हैं, एक का नाम है कामेंग। ओके, तो पहले यहाँ से आती है कामेंग, दूसरी का नाम है मानस। सर मानस तो नेशनल पार्क भी है, हाँ तो नदी भी है, देखो ना नदी है। ओके, तीसरे का नाम है रेडाक। अरे ये तो रेडाक तो हमने पढ़ा था पश्चिम बंगाल में नेशनल पार्क के साथ, हाँ तो वही वही वाला नदी है रेडाक। और एक का नाम है जल ढाका, जल ढाका मतलब जल को ढक लेती है, अच्छा जल ढक लेती है। और एक यहाँ पे बेवफा नदी भी है, बेवफा, हाँ तीस्ता, कैसे बेवफा है सर? अरे पहले ये गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, अब ब्रह्मपुत्र में जा रही है।
ओके, इसलिए बोल रहे हैं आप। हाँ, तो ये पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, अब जा रही है ब्रह्मपुत्रा में। ये कब ऐसा हुआ सर बेवफाई? आज से 200 साल पहले 1778 का समय था जब ये कांड हो गया भाई साहब। सर मतलब नदिया में? हाँ नदिया भी भाई, देख लो। ओके ओके, कोई बात नहीं सर, एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा बहुत। नहीं बिट्टू, ज़्यादा एडजस्ट नहीं करो, इधर आ जाओ। ओके, आप ना भैया मेरा नाम ले लेके हमको बदनाम कर दिया। नहीं, हम बदनाम नहीं किए, तुम हो दिबांग, जल ढाका, रेडाक, मानस, यारलंग, सेंगपो, लहासा। हमने बता दिया है कि ये दिबांग है, ये लोहित है, ये धनसरी है, यहाँ दिहांग नदी आती है, यहाँ दिबांग है, ये तिस्ता है। तो कामेंग याद रहेगा? कामेंग पहला है, कामेंग पहला है, फिर मानस है, फिर रेडाक है, फिर जल ढाका है। तो पहला का नाम क्या है? कामेंग। दूसरा का, उससे भी पहले सुबनसरी आती है, सुबनसरी के बाद, ये सुबनसरी को पहला मानो, कामेंग को दूसरा मानो। सुबनसरी को पहला, कामेंग को दूसरा। तो ये है सुबनसरी, ये नंबर वन। दूसरा है कामेंग, तीसरा है मानस, चौथा है राडाक, पाँचवा है जलढाका। ओके, और छठा है तिस्ता। और तिस्ता के बाद इसका नाम बदल जाता है जमुना। मतलब ये कि तिस्ता जहाँ जुड़ती है उसके बाद इसको जमुना बोला जाता है। अच्छा, तीस्ता जहाँ जुड़ती है उसके बाद इसको जमुना बोला जाता है, उसके आगे जहाँ मेघना जुड़ती है उसके बाद इसको मेघना बोला जाता है। कितने नाम है सर? पहला नाम है यारलंग सांगपो, फिर उसके बाद है सांगपो, उसके बाद है ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद है जमुना, उसके बाद है मेघना। ओके सर, इधर से एक बराक नदी आते हुए दिख रही है, मैं दिख रही है ना, ये है बराक। अरे ये तो मणिपुर के आसपास से शुरू हो रहा है। हाँ, तो मणिपुर से ही शुरू होता है बराक। थोड़ा बहुत देख लो, यहाँ पे सुरमा के नाम से जाना जाता है, सुरमा के बाद से इसको मेघना के नाम से जाना जाता है, और मेघना आकर के समुद्र में गिर जाती है। ओके, हमको दिख गया, क्या दिख गया? यही जमुना, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, सुरमा, बराक, और ये गुवाहाटी क्या है सर? गुवाहाटी है असम का फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल मतलब पैसा वाला भाई। अच्छा, फेमस प्लेस है गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्रा पे आता है, लेकिन असम का राजधानी मत समझ लेना गुवाहाटी को। हर जगह गुवाहाटी दिखता है तो हमें लगता है कि राजधानी है, ऐसा कुछ ना है। तो ये रहा ब्रह्मपुत्रा, वापस करा दूँ। यारलंग सेंगपो, यारलंग जैंगो, सेम्पो, ल्हासा, लोहित। अरे भाई साहब, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, दे रहे दे रहे। सुबनसिरी, लोहित, फिर लोहित के बाद आता है, उसके पहले धनसिरी, उसके बाद लोहित, दिबांग, लोहित। अरे रुक जाओ बाबा, रुक जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सो जाओ। अरे सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, अन्यथा गला दबा दूंगा। गुवाहाटी सुजमा, फिर इधर है बराक। बराक आकर के मेघना के रूप में डूब जाती है। तो आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र यहीं पे ख़त्म होता है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है? ए उधर नहीं, उधर नहीं, ए इंजीनियर क्या बनेगा? कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा? चलो, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, आपके पास लाइक करने का ऑप्शन हो। और ओइकोस को चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए आप इतने वीडियो देखे, इसके लिए धन्यवाद, ठीक है?